अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नफीसा वकास और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जनाब ये है जी मेरे दोनों हाथों का डिफरेंस आपके सामने है। ये जो रेमेडी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इतनी पावरफुल है कि आपके एक दफ़ा यूज़ से ही आपके हाथ पाँव नीट कर देगी इंशाल्लाह। तो ये देखे लेफ़्ट हैंड पर मैंने इसे ट्राई किया है राइट हैंड के साथ। तो अगर आप भी ऐसे ही नीट साफ़ सुथरे हाथ पाँव चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस ना हो और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे लेडीज़ जेंट्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और जनाब सबसे पहला आप काम कर दें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जनाब सबसे पहले हमने लेना है जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो है जी ड्राई मिल्क। ये आपको इजीली मार्केट से अवेलेबल होगा आपको। तो ये हमने एक स्पून लेना है ड्राई मिल्क, ले लेना है आप कोई सी भी कंपनी का ले लें। मैंने ये बुनियाद का लिया है, आप नीडो ले लें, जो भी आपको अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ड्राई मिल्क हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और बेबी सॉफ्ट मुलायम कर देता है। तो दूसरा हमारा जो है जी इंग्रेडिएंट वो है जी मीठा सोडा। मीठा सोडा जो हमारी स्किन हाथों पैरों पे जमी हुई मैल कुचैल है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। तो तीसरा हमारा है जी एलोवेरा जेल, ये आपने एक स्पून लेनी है। ये आप फ्रेश भी ले सकते हैं, आप बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि इस फॉर्मूले को आप तभी बनाइएगा जब आपने यूज़ करना हो, आप इसे बना कर स्टोर नहीं कर सकते, मीठा सोडा जो होगा वो इसको ख़राब कर देगा। ठीक है, इसका जो चौथा है वो है जी इसका हनी है। हनी आपने इसमें ज़रूर ऐड करना है, अगर हनी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें कर सकते हैं जनाब लेमन थोड़ा सा मिक्स कर लें, उसके भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। और चंद ड्रॉप्स आप लेमन के इसमें डाल सकते हैं अगर आपके पास बाय चांस हनी नहीं मौजूद, शहद नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पेस्ट बन जाएगा। आपने अगर इसको थिक करना है तो आप थोड़ा सा ड्राई मिल्क और कर लें, वरना ऐसा बिल्कुल सही है। आप हाथों पाँव पे अच्छे से इसका मसाज कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट होगा। आपको मैं अभी यूज़ करके बताऊंगी और दिखाऊंगी भी रिज़ल्ट इसका कि कैसे हमने इस तरीके से हमने थोड़ा सा लेके अपने हाथों के ऊपर पाँव के ऊपर ऐसे अप्लाई करना है और हल्के हल्के हाथों के साथ इसकी हमने मसाज करनी है। आपने अपने नकल्स को, अपनी फिंगर्स को, अपनी जो भी जहाँ भी आपकी जो है डेड पार्टिकल्स हैं वहाँ पे आपने इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करके अच्छे तरीके से आपने इसका मसाज करना है ताकि जहाँ जहाँ आपकी डेड स्किन है वो इसके साथ रिमूव हो सके। तो उसको रिमूव करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देना। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तब आपने इसको वॉश करना है और वॉश करने के बाद इसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं और आपको खुद ये देखें नज़र आ रहा होगा कि दोनों हाथों में। अभी आपको इसको रगड़ रगड़ के मल मल के भी दिखाऊंगी अपने हाथ को कि इसके ऊपर कुछ भी यूज़ किया हुआ नहीं है कि आपके सामने ये रिज़ल्ट है। ये देखें जनाब, अब मैं आपको अच्छे तरीके से मल मल के दिखा रही हूँ, अगर कुछ यूज़ किया हो तो वो उतर जाए। तो ये देख सकते हैं इसका ओरिजिनल इसका रिज़ल्ट है। आपने ज़रूर इसको यूज़ करना है और आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। और जनाब आपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और इस वीडियो को भी शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुदा हाफ़िज़।